सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। साथ में आप जो रेगुलर पढ़ाई शुरू हो चुकी है वो भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी कक्षा में हमने दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द और चार अक्षर वाले शब्द कर लिए हैं, तो आज हम उन्हें ब्लैंक्स रूप में करेंगे। सही वर्ण लगाकर शब्द बनाएं, ठीक है? दो वाले, तीन वाले और चार करेंगे, और साथ में हम वाक्य के खाली स्थान भरो भी जो है वो करेंगे, ठीक है? सबसे पहले सही वर्ण लगाकर शब्द बनाएं। तो सबसे पहले मैं दो अक्षर वाले लूंगी, ठीक है? जैसे घ और आगे ब्लैंक, ये और ये, ट डैश, म डैश, ठीक है? ल लगाकर। अब आप अपने मन में वर्ड्स जो हैं वो सोचना शुरू कर दें कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है बेटा, इस तरह आपको सही वर्ण लगाकर शब्द बनाना है। आप कोई भी वर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। जैसे ये घ है, घ के साथ घर, घर बनता है, घर घर। इसी तरह डैश ल, तो यहां फल लग सकता है, चल लग सकता है, नल लग सकता है, कोई भी वर्ण लग सकता है, लेकिन आप कोई भी वर्ण लगा सकते हैं, लेकिन जो शब्द बने वो उसका मीनिंग होना चाहिए, वो शब्द सही होना चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे जल, जल जल। आप नल नल भी लिख सकते हैं, कल कल भी लिख सकते हैं। आगे टब, टब अक्षर बनाने हैं आपने। म न मन, आप मर मर भी बना सकते हैं, मत मत भी बना सकते हैं, ठीक है बेटा? आगे जल, अब यहां पे हम बना लेंगे फल, फल फल। आगे तब, तब कर कर, इसमें इसमें आप कर कर, कम कम, कन कन, कत कत, ठीक है? क त और क न कोई शब्द नहीं बनेंगे, कर कर, कम कम, ठीक है? कब कब, जो शब्द बनते हैं आपने वही बनाने हैं, तब कर कर। आगे दस, दस दस दस। आगे धन धन, धन धन। यहाँ पे कब कब, इस तरह, ठीक है बेटा? ये देखिए, ये सारे जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, वो सब सही हैं, सही बन रहे हैं। घर घर, जल जल। अब आप इसकी जगह नल नल भी, फल फल भी लिख सकते हैं। इसी तरह टब टब, मन मन। यहाँ पे मत मत भी हो सकता है, मर मर भी हो सकता है, फल फल, जल जल, नल नल, तीनों आ सकते हैं। तब तब, तक तक, ठीक है? कर कर, कम कम। इसी तरह द स दस, ध न धन, क ब कब,
ठीक है, वर्ड बनना चाहिए, शब्द बनना चाहिए। शब्द अगर नहीं बन रहा है, कुछ उल्टा सीधा बन रहा है, तो वो सही नहीं होगा। आपको सही वर्ण लगाकर सही शब्द बनाना है। इसी तरह तीन अक्षर वाले म, इस तरह और क्या हो सकते हैं शब्द, शब्दों को देखकर देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है। अब सबसे पहले म र, म ट र आपने लिखे थे ना, शब्द बनाए थे, मटर, मटर, क ल म कलम, सही शब्द क्या है, ल कलम, कलम, कमल, कमल, उसके बाद ट ह ल टहल। अब यहां पे डैश कड़क, अकड़ पकड़ सड़क, तो स भी हो सकता है, प भी हो सकता है और अ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, न ह र नहर, श ह द शहद। जब भी आप शब्द बनाएं तो आपके शब्द ठीक होने चाहिए, कुछ भी नहीं बना सकते हम, न ह त कुछ भी वर्ण नहीं लिख सकते। हम जो सही वर्ण है वही लिख सकते हैं जो शब्द बनाएंगे। आगे म ट क मटक, झ ट क झटक, तो मटक झटक म भी लिख सकते हैं, झ झंडे वाला झटक भी लिख सकते हैं, ये ठीक है। आगे भ व न भवन, भ व न भवन, इसी तरह प व न पवन। ठीक है, मटर, कलम, कमल, टहल, पकड़, नहर, शहद, मटक, भवन और पवन, ये सारे जो हैं बिल्कुल सही शब्द हैं। जब भी आप कोई भी वर्ण लगाकर बिल्कुल सही शब्द बनाएंगे। उसके बाद अब हम ये वाले देखेंगे, बर ग, और इसमें अब आप बताएंगे इसमें क्या लगेगा। ठीक है बेटा, वर्ड्स समझ में आ रहे हैं आपको, राइट?
चलिए ब बर ग आगे क्या होगा? बरगद, हमने पढ़ा है बरगद का पेड़, पढ़ते हैं ना बर ग द बरगद। इसी तरह च क न, तो क्या बनेगा? अ च क न अचकन, अ डैश गर अजगर, हमें शब्द आने चाहिए पूरी, खट मल खटमल। इसी तरह यहाँ पे भी द र क, तो क्या आएगा? अ द र क अदरक। आगे चमचम, चम च म चमचम। फिर से बर त न बर्तन। आगे ग न प त गणपत। पूरे जो शब्द हैं सही बन रहे हैं। आगे शल गम शलगम, गर द न गर्दन। ठीक है बेटा, जब भी आप शब्द बनाएं या वर्ण लगाएं तो आप जो भी वर्ण लगा रहे हैं वो शब्द पूरा करे, शब्द सही शब्द बनाए। ठीक है, इसीलिए सही वर्ण लगाकर सही शब्द बनाए। ठीक है, अब हम करेंगे वाक्य। वाक्यों में खाली स्थान कैसे भरने हैं? वाक्य उसमें हमें खाली स्थान भरने हैं। वाक्यों में सही शब्द लगाकर खाली स्थान भरने हैं। ठीक है, अब ठीक है, छत पर क्या लिखा है? अब डैश चल, तो हम क्या करेंगे? अब घर चल, छत पर डैश चढ़, छत पर मत चढ़। जो शब्द इस वाक्य को पूरा करे हम वही शब्द बनाएंगे जिससे वाक्य पूरा हो। अब घर चल, छत पर मत चढ़, फल फल चख, फल फल चख। ठीक है, इसी तरह जो तीन अक्षर वाले हैं, मटर डैश कर। ठीक है, मटर डैश कर। उसके बाद कलश उधर रख, देन शहद चख। मटर गरम कर, गरम गरम, मटर गरम कर, डैश उधर रख, कलश उधर रख, डैश चख, शहद चख। ठीक है, शहद की जगह अगर आप टू अक्षर वाले भी लिखते हैं फल चख तब भी ठीक है। कलश उधर रख, मटर गरम कर। इस तरह जब वाक्य आएंगे तो उसमें आपको सही शब्द जो है वो भरना है। जैसे गणपत डैश पहन, डैश पर चढ़, डैश गरम कर। अब इसमें भी आप क्या भर सकते हैं, चार अक्षर वाले भी बात, गणपत अचकन पहन,
गणपत अचकन पहन, डैश पर चढ़, बरगद पर चढ़, डैश गरम कर, शलगम गरम कर, ठीक है बेटा। शब्द जो है तीन अक्षर वाले, चार अक्षर वाले और दो अक्षर वाले, वो जब हमने वाक्य किए हैं तो अब वाक्यों में सही शब्द लगाकर हम भरेंगे ताकि हमारा जो वाक्य है वो पूरा हो, राइट। इसको एक बार हम क्लास में भी करेंगे और आपको पूरी जो बुक है उसकी रीडिंग करनी है और वाक्य बुक में से अच्छी तरह से पढ़ने हैं ताकि आपको शब्द याद रहें जो आपने वाक्य में भर कर सही वाक्य बनाना है, ठीक है बेटा। ओके।